प्रिय आत्मन, हमने बहुत कुछ इसके पहले आपको वो आपने हमारे कार्यक्रम को देखे, बहुत से वीडियोज आपने देखा और बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग के उत्साहवर्धन से हम वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग मेरा काफ़ी उत्साहवर्धन कर रहे हैं और इसी तरह से मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए। उसको आप जो भी हर कार्यक्रम उसको देखिए और उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। आज मैं बहुत ही सुंदर चीज़ आपके समक्ष, वो क्रोध पर कैसे नियंत्रण करें। अब जहाँ आज अगर देखा जाए तो चाहे वो छोटा बच्चा हो या वो एडल्ट है, युवा है या बुजुर्ग है, वो गुस्से में हमेशा रहता है। तो इस गुस्से को, इस क्रोध को नियंत्रण करने के लिए अब कुछ दो ऐसी जो बहुत टेक्निकल चीज़ें आपको बता रहे हैं और उसको आप अगर फॉलो करते हैं, बच्चे अगर फॉलो करते हैं तो उसे अत्यधिक लाभ होगा। सबसे पहली बात यह है कि आप वो अपने अंदर वो जिस कारण से गुस्सा आता है उस कारण को हटाने का कोशिश करिए और अगर गुस्सा अगर आ रहा है तो थोड़ा सा ठंडा पानी वो पी लीजिए और वो खाने पीने की चीज़ों में उन चीज़ों को खाइए जिससे आपके अंदर उत्तेजना न पैदा हो और वो कार्बोहाइड्रेट में कटौती मत करिए, उसको अपने भोजन का एक अंग बनाकर उसको रखिए और वो कुछ मीठी चीज़ें, जैसे बच्चा छोटा है और उसको कुछ चॉकलेट वगैरह अच्छे क्वालिटी का जरूर दीजिए, आप स्वयं भी खाइए और मीठी चीज़ों को खाने से आपके अंदर मृदुता बढ़ेगी, आपके अंदर वो ये आपके स्वभाव में मिठास आएगा और अपने ब्लड प्रेशर को अपना जो उसको नियंत्रण में रखिए। और उसके लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि थोड़ा आप योगा वगैरह करें, थोड़ा मेडिटेशन करें। तो थोड़ा मेडिटेशन करेंगे और योगा का सहारा लेंगे तो क्रोध पर नियंत्रण आप इतना आसानी से कर लेंगे कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा। भले अगर आपने अपने वो अगर योगा का सहारा लिया, मेडिटेशन वगैरह आप कर रहे हैं, खान पान आपको बहुत उत्तेजनापूर्ण वाला ना हो, जो आपको स्टिमुलेट करे, बहुत उत्तेजित करे, ऐसे भोजन को, ऐसा आहार अपना मत बनाइए। सात्विक आहार हो आपका, सबसे बड़ा आपका विचार सात्विक हो, हृदय की आपकी पवित्रता हो, निर्मलता हो। और ये बच्चों में भी इस बात को रखिए, बच्चों को ये देखिए उस पर आप अनावश्यक दबाव मत डालिए, प्रेशर मत बनाइए। बच्चा अगर किसी कारण से अगर वो अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है तो उसे प्यार से उसका सह सहला करके और उसके अपने गोद बैठा कर पूछिए और उसे कुछ मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करिए तो बच्चा अपने आप सारी बात खुद ब खुद करना शुरू कर देगा और फिर आप उसके कारण को समझ करके उसका समाधान कर दें। बच्चा भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहे, घर में खुशी का वातावरण रहेगा और अगर घर प्रसन्न है, परिवार प्रसन्न है तो समाज खुश रहेगा, समाज खुश है तो देश खुश होगा, इस तरह से पूरे संसार में खुशी का वातावरण होगा। तो मैं पुनः इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि भोजन में सात्विक वो भोजन ग्रहण करिए और अगर ये मीठे चीज का जरूर, अगर आप कोई बहुत बड़ी मिठाई की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप रसगुल्ला या पेड़ा ही खाएं, आप अगर गुड़ का छोटा सा टुकड़ा भोजन में जरूर, भोजन के उपरांत छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खाइए और वो आपको एनर्जी भी मिलेगी। बच्चे को भी दीजिए खाने के लिए और पानी जहाँ तक हो सके स्वच्छ जल पीजिए और वो योगा और मेडिटेशन वगैरह का सहारा लेते हुए और कार्बोहाइड्रेट को घटाइए नहीं, उसे आपको ताकत मिलेगी। आहार अगर आपका बढ़िया रहेगा, पौष्टिक आहार रहेगा तो वो कहते हैं ना कि वो साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी, तो इस तरह से स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और क्रोध पर नियंत्रण ये बहुत आसान सा तरीका है और वो इन चीज़ों को अगर आप करते हैं तो क्रोध आपका, वो चाहे बच्चा हो या युवा हो या किशोरावस्था का बच्चा हो, टीनेजर हो या बुजुर्ग हो, वो सब में एक प्रसन्नता का वातावरण होगा और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सबको मिल बैठ करके शाम के समय या सुबह सब मिल करके एक साथ में जिस भी धर्म को आप मानते हो, धर्म चाहे कोई हो, किसी कंट्री के हो, किसी भाषा को बोलने वाले हो, किसी प्रांत को हो के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 मिनट बैठ करके आपस में अच्छी बातों को शेयर करिए, एक दूसरे की भावनाओं को जानने का कोशिश करिए, इस तरह से आप क्रोध पर नियंत्रण पा लेंगे और घर में खुशी का वातावरण बनेगा। और आगे बहुत सी ऐसी चीज़ों के साथ आपके साथ में आऊँगा। आज इतना ही, धन्यवाद।